अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू. आज आप हेल्थ प्रमोशन से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो सके और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है. तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितनी मात्रा में प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है. तो ऑप्शन में है ए 1 ग्राम, बी ऑप्शन है 2 ग्राम, सी में है 4 ग्राम एंड डी में है 5 ग्राम. तो सामान्य मनुष्य, जो नॉर्मल मनुष्य है, उसको प्रति किलोग्राम के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है. प्रति जो प्रति किलोग्राम, 4 किलोग्राम के अनुसार अगर प्रोटीन की मात्रा अगर प्रतिदिन देखा जाए तो वह 4 ग्राम के अनुसार होता है. 1 ग्राम, 1 किलोग्राम के प्रति 1 ग्राम ज़रूरी होता है. इसलिए क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य को प्रति 4 किलोग्राम के अनुसार कितनी मात्रा में प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है. तो 4 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जरूरी होती है. तो नॉर्मल मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितनी मात्रा में प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होता है, तो 1 ग्राम आवश्यक होता है. इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका सही है, 1 ग्राम. नेक्स्ट सेकेंड, कम मात्रा में प्रोटीन वाली आहार किस कंडीशन, किस स्थिति में दिया जाता है. कम मात्रा में प्रोटीन वाली, जो प्रोटीन वाला, प्रोटीन से युक्त आहार होता है, वह किस स्थिति में जो है पेशेंट को दिया जाता है, किस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है. तो ऑप्शन में है पीलिया में, बी दस्त में, सी बुखार में एंड डी है खांसी में. तो पीलिया में जो है कम मात्रा में प्रोटीन वाली आहार पेशेंट को दिया जाता है, ए. इसलिए ए जो है आपका पीलिया में सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है. इन ऑप्शन में से जो आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन दोनों की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है. तो ऑप्शन ए में है मेरेस्मस, बी में क्वासीरकर, सी है गलगंड एंड डी है वेरीबेरी. तो आहार में, भोजन में जो आहार होता है हमारी डाइट में, ऊर्जा तथा प्रोटीन दोनों, एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी से होने वाला जो बीमारी है वह मेरेस्मस है. इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका सही है, मेरेस्मस. एक वयस्क को दैनिक रूप से आवश्यक ऊर्जा का लगभग 50-70% भाग कौन से खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है. जो वयस्क व्यक्ति है वो दैनिक रूप से, दैनिक रोज की रूटीन से आवश्यक जो ऊर्जा का लगभग 50-70% भाग जो है कौन से खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है. तो ऑप्शन में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ, बी ऑप्शन है प्रोटीन युक्त पदार्थ, सी है वसा युक्त खाद्य पदार्थ एंड डी है विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से. तो जो दैनिक रूप से आवश्यक ऊर्जा का लगभग 50-60% जो भाग है वो खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, वह कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है. इसलिए ए जो है आपका सही है, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ. नेक्स्ट दिया है, निम्न ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है. जो ऊर्जा युक्त आहार दिया गया है वह किस स्थिति में दिया जाता है. तो ए में दिया है कम रक्तचाप में, निम्न ऊर्जा युक्त आहार किस कंडीशन में दिया जाता है. ऑप्शन ए में है कम रक्तचाप में, बी है कुपोषण में, सी कम वजन में एंड डी हृदय रोग में. जो निम्न ऊर्जा युक्त आहार होता है वह हृदय, हार्ट रोग, हार्ट डिजीज में, हार्ट रोग में दिया जाता है. इसलिए डी जो ऑप्शन है, हृदय रोग, सही है. नेक्स्ट अगला में है, मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है. मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जो भाग होता है वह पानी होता है. ऑप्शन ए में है 50%, बी है 80%, सी 70% एंड डी 90%. तो मानव शरीर में जो लगभग 70% जो भाग होता है वह पानी होता है. इसलिए सी जो ऑप्शन है 70% वह सही है. भोजन पकाने का सिद्धांत है, कौन सा जो है सिद्धांत भोजन पकाने का
सिद्धांत है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है, ऑप्शन है भोजन की असुरक्षा, बी है स्रोतों का उपयोग, सी खतरों से असुरक्षा, एंडी है वातावरणीय अस्वच्छता। तो जो भोजन पकाने का सिद्धांत है वह भोजन की असुरक्षा, भोजन जो असुरक्षित हो यह सिद्धांत और हो नहीं सकता है। सी है खतरों से युक्त से असुरक्षा, जो खतरे होते हैं भोजन पकाते समय से असुरक्षा, ये भी सिद्धांत नहीं हो सकता। डी वातावरणीय अस्वच्छता, अगर वातावरण अस्वच्छ होगा तो भी भोजन सही से नहीं पका सकते हैं। इसलिए बी जो ऑप्शन है, स्रोतों का उपयोग, जो स्रोत होते हैं भोजन पकाने के उसका सही उपयोग ही सही है, भोजन पकाने का सिद्धांत है। इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, स्रोतों का उपयोग। नेक्स्ट अगला में है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को, बॉडी को ऊर्जा एनर्जी प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन में दिया है ए कार्बोहाइड्रेट, बी है विटामिन, सी वसा, एंड डी है प्रोटीन। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो पोषक तत्व है शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी, प्रोटीन से भी, विटामिन जो है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसलिए बी जो ऑप्शन है आपका राइट है, विटामिन से जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसलिए बी जो ऑप्शन है वह आपका सही है, विटामिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है, निम्न में से आहार नाल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किस रूप में किया जाता है। निम्न जो ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से आहार नाल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किस रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए माल्टोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज, एंड डी हेफेरिन। जो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किया जाता है वह ग्लूकोज रूप में किया जाता है। इसलिए बी जो ऑप्शन है आपका राइट है, ग्लूकोज। नेक्स्ट अगला है, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका जो फुल फॉर्म है, PEM का फुल फॉर्म है, पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी, एंड एम से होता है माल न्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं कुपोषण का प्रथम सूचक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है ए उम्र के सापेक्ष अधिक वजन, बी है कमजोर व सुस्त बच्चा, सी है उम्र के सापेक्ष कम वजन, एंड डी है कम भोजन ग्रहण। तो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, PEM का प्रथम सूचक है उम्र के सापेक्ष कम वजन होना। इसलिए सी जो ऑप्शन है आपका राइट है, उम्र के सापेक्ष कम वजन होना। एक मरीज को सही आहार के बारे में बताते वक्त किसे संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाना चाहिए। ऑप्शन में जो दिया गया है उसके बारे में, जो मरीज है, पेशेंट है, उसको सही आहार के बारे में, सही डाइट प्लान के बारे में बताते वक्त संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना गया है, किसे जो है संपूर्ण प्रोटीन स्रोत माना गया है। तो ऑप्शन में है जैतून, बी चावल, सी अंडे, एंड डी बादाम। तो अगर एक पेशेंट को सही आहार के बारे में, डाइट के बारे में बताएं, तो जो है संपूर्ण प्रोटीन का जो स्रोत होता है वह अंडे को माना गया है। इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, अंडा, एग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह किसे माना जाता है। तो ऑप्शन में देखिए, कोशिका मीन्स सेल का जो है होम, पावर होम, शक्ति गृह जो जिसे कहते हैं पावर होम, किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में है लाइसोसोम, बी है माइटोकांड्रिया, सी न्यूक्लियस, एंड डी गाल्गी उपकरण। तो कोशिका सेल का जो पावर हाउस माना गया है वह माइटोकांड्रिया को माना गया है। इसलिए बी जो ऑप्शन है आपका राइट है, बी ऑप्शन जो है आपका सही है। मानव शरीर में सबसे लंबी सिरा कौन सी है, मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी सिरा होती है, वेंस कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए में है ग्रेट सिफेनस, बी है पोपलियट, सी है इलियक, एंड डी है फिमोरल। तो मानव शरीर में सबसे लंबी सिरा जो होती है वो ग्रेट सिफेनस होती है। इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, ग्रेट सिफेनस। पीएच का नियमन किया जाता है, पीएच का नियमन किस
माध्यम से किया जाता है, बॉडी के किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन में दिया है ए प्लीहा जिसे तिल्ली कहते हैं, सी यकृत लीवर, बी है यकृत जिसे लीवर कहते हैं, सी हार्ट हृदय, एंड डी है वृक्क जिसे किडनी कहते हैं। तो शरीर में पीएच का जो नियमन किया जाता है वह जो वृक्क ऑर्गन के द्वारा किया जाता है जिसे किडनी कहते हैं, अंग्रेजी में किडनी के माध्यम से किया जाता है पीएच का नियमन जो होता है बॉडी में वह वृक्क किडनी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट अगला टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस TONSILITIS क्या है, टॉन्सिलाइटिस क्या है, तो ऑप्शन ए में देखिए टॉन्सिल का कार्सिनोमा, बी ऑप्शन में टॉन्सिल का रप्चर होना, सी है टॉन्सिल का इंफ्लामेशन, एंड डी है टॉन्सिल का रिमूव होना। तो टॉन्सिलाइटिस जो होता है वह टॉन्सिल का इंफ्लामेशन होता है, इसलिए सी जो ऑप्शन आपका राइट है, टॉन्सिल का इंफ्लामेशन। थैंक यू।